भारत की प्राचीन सभ्यता और वास्तुकला ने हमेशा सारी दुनिया का ध्यान खींचा है, लेकिन हम एक ऐसा समाज है जिसने कभी अपनी गौरवशाली परंपरा का ना तो ख्याल रखा ना ही उसका गौरव महसूस किया। बस यही कारण है कि इतिहास की अनेक समृद्ध धरोहरें देखते देखते हमारे आंखों के सामने नष्ट कर दी गई। कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी एक बेहद विशाल और समृद्ध नगर है। इसका उल्लेख रामायण में भी हुआ था। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और आज यह प्राचीन नगर सिर्फ बंजर जमीन और खंडरों के रूप में ही बचा है। आज वहां जितना भी शहर बचा है वहां उस प्राचीन नगर की सभ्यता और समृद्धता की एक झलक देखने को मिलती है। रामायण काल में हम्पी को किष्किंधा नगरी के रूप में जाना जाता था। स्थानीय लोगों और लोक कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र में रामायण काल में वानरों का शासन था। यही वो जगह है जहां भगवान राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज करने के लिए जाने से पहले ठहरे थे। आज वहां पहाड़ों पर सुग्रीव, बाली, हनुमान जी और राम जी और लक्ष्मण जी के ठहरने के प्रमाण मिलते हैं। हम्पी नाम वहां स्थित हम्पा देवी मंदिर के कारण पड़ा है। विजयनगर की स्थापना हरियर और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने की थी और उसके बाद राजा कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 तक वहां शासन किया। यहां पर विरूपाक्ष मंदिर है। यहां पर पत्थरों से बना हम्पी रथ है जो बेजोड़ वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। हम्पी के सबसे ऊंचे मंदिर में संगीतमय पिलर्स हैं। इसके पीछे का राज जानने के लिए ब्रिटिश ने उस अनमोल पिलर्स को तोड़ दिया, फिर भी वह मूर्ख अंग्रेज इस रहस्य को नहीं जान सके। एक दौर ऐसा आया कि हम्पी रोम से भी ज्यादा गौरवशाली नगर हुआ करता था। हम्पी आज भी सारी दुनिया के सामने अपने गौरवशाली इतिहास को बयान करता है। समृद्ध हम्पी वर्तमान में विकास की रफ्तार में काफी पीछे छूट चुका है। यहाँ के निवासियों को आज भी एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है और हम्पी की घाटियों और टीलों के बीच में 500 से भी ज्यादा स्मारक है। दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान आपने हम्पी नहीं देखा तो फिर क्या देखा? हम्पी का गौरवशाली इतिहास जानना हमारी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा देगा और साथ ही वर्तमान सरकारों को मजबूर करेगा कि वहाँ की मूलभूत व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाए और वहाँ के लोगों को जीवन सुगम बनाए। भारत माता की जय।